हेलो फ्रेंड, आज आप करंट अफेर सीरीज चालू है यम महीना करंट अफेर सीरीज चालू है। आनी पे अपने साइंस एंड टेक और दिवस थीम विषय वीडियो बनावेलो है। खास कर अपने तरह से चार महीना पीछे जो कई एक्जाम आवानी है, तलाटी क्लार्क अथवा डीवाएसओ जीपीएससी क्लास वन टू तो छाला छ महीना अथवा मेक्सिमम तरह महीना तो करेलू होवु जरूरी है। अँ अपने मे महीना करंट अफेर सीरीज चालू करी जेना तरह से चार महीना पीछे बड़ी एक्जाम में तुम्हारे हेल्पफुल थी सके। अँ आप जो तो ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट उद्घाटन थयेलू है, तो कई जगह तो कि बिहार राज्य में भारत में एवं प्रथम राज्य है जहाँ प्लांट उद्घाटन थयेलू है। खर्च जो तो 105 करोड़ है। क्षमता जो प्लांट की तो 150 टन मकाई उपयोग कर 65,000 लीटर इथेनॉल उत्पादन करते। हम अँ तुम्हारा खास याद रखो कि आ रीत कोईपण में प्रथम थयेलू हो तो यह स्थल खास एक याद रखू। अँ आप लक्ष्यांक जो तो 2025 सुधी में 25% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने लक्ष्यांक है। 9% अत्यार हाल में हासिल करेल से पेट्रोल में मिश्रण करेलू है इथेनॉल। खास एन एक अँ 8-5-10 है तो आ जीपीएससी में डीवाएसओ जी जीपीएससी एक्जाम हो डीप में पूछात हो तो अँ कवर करेलू है, जैसे डीवाएसओ और क्लास 3 में बने में काम आए। अँ तेरे नाम खास याद रखे DDGS है, यू पूरु नाम डिस्टिलायर ग्रीड ग्रेन्स विथ सोल्युबल से उपयोग पशुओं चारा में थाय रीतना कोईपण टॉपिक हो रीतना जो मुद्दा सर याद रखना हो रीतना तब नोट्स बनाई शको। अँ आप जो तो बीजू प्रथम अतुल्य भारत आंतरराष्ट्रीय क्रूज संमेलन उद्घाटन थयेलू है 2022 में थयेलू है। हवे आयोजन कई जगह थेलू खास एक याद रख मुंबई महाराष्ट्र में थयेलू है। प्रतीक लोगो शू है तो कैप्टन क्रूजो एनु लोगो है। मंत्रालय खास रीते याद रखू आ रीतना हो सम्मेलनों योजनाओं अँ तुम जो सको मंत्रालय अथवा आयोजन कोने करेलू है तो FICCI एट फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीए करेलू है, प्लस बंदर शिपिंग प्लस जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। आ रीतना खास एक याद रखू। फूल फॉर्म खास एक याद रखा, घनी वक्त परीक्षा में फूल फॉर्म परीक्षा में पूछाता हो व्यक्ति निधन थेलू है शिव कुमार शर्मा, तो हम आ कौन व्यक्ति से शू है खास याद रखू। आ संतूर वादक था और लोकवाद तंत्र कहमें संतूर ने अने मूलभूत रीते आज वादक काश्मीर है। भारतीय नाम जो तो संत तंत्री वीणा है एट सोतार सोतारों धरावती वीणा है। हम खास एक आने पुरस्कारों ज्यादा व्यक्ति ने मेल है तो खास याद रखवा, पद्मश्री मेल से 1991 में, पद्म विभूषण मेल से 2001 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मेल से 1986 में। हमें एक ऑटोबायोग्राफी है आ नाम पर खास याद रखू, आप परीक्षा में पूछाई शे। जर्नी विथ ए 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक 2002 आ रीते नाम से ऑटोबायोग्राफी तो ये खास याद रखू। संतूर शब्द से फारसी भाषा में आलो शब्द है। हम बीजो एक रिपोर्ट आलो है चाइल्ड एलर्ट वालों यूनिसेफ द्वारा एन बहार पड़ेलू है, शू है को बहार पड़े तो एक खास याद रखू। क्रम कया देश से याद रखू। आने युनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स कहम है। हम आ शीर्षक शू है आ एलर्ट चाइल्ड एलर्ट जो आ रिपोर्ट बहार पड़ेलू है यू तो सीवियर वेस्टिंग एंड ओवरलुक चाइल्ड सर्वाइवल इमरजेंसी आ शीर्षक है। प्रथम नंबर में भारत में आएल से एट्ले खास एक याद रखू। अँ जला बाड़कों जहाँ में उल्लेख करेलो है यम 57.72 लाख जटली वस्ती से चाइल्ड एलर्ट में जाहिर करूँ पहला नंबर पर भारत है, बीजा नंबर पर इंडोनेशिया, तीजा नंबर पर पाकिस्तान, चौथा नंबर पर नाइजीरिया, पांचमा नंबर पर बांग्लादेश। एम खास तो मैं टॉप 3 हो खास याद रखो। हम से लगत है या तो 5 वर्ष की नीचेना वहीना सौ गंभीर रीते नबड़ा बाड़कों एक आ रिपोर्ट है। हम एक उल्लेख थे व्याख्या गंभीर तीव्र कुपोषण तो आ एक खास व्याख्या याद रख। आने लगता आ रिपोर्ट बहार पड़ेलो है एट आनु शू तो ऊंचाई प्रमाण में ओछू वजन हो कुपोषण सौ जवात हो घातक रूप है एवं कहमें जेने हमेशा गंभीर तीव्र कुपोषण तरीके कहम है। आ रीतने एक रिपोर्ट हो रिपोर्ट में तेरे आई वस्तु याद रखी एट ओछा समय में सारो कवर थी जाए। अँ आप जो बीजो तो बीजो एक रिपोर्ट आपेलो है असमानता स्थिति रिपोर्ट आपेलो है, आप घनी वक्त परीक्षा में पूछाता हुए रिपोर्ट एक खास बधा याद रखो। हवे कोण बहार पड़े से एक खास याद रखो तो ESCPM एटले वडाप्रधान की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बहार पड़ेलो है आ रिपोर्ट। आ परिषद अध्यक्ष कोण है तो विवेक देबरोय। हवे आ रिपोर्ट क्या 5 क्षेत्रों द्वारा अभ्यास कर बहार पड़वामां आवेलो है तो कि आवकनुं वितरण, शिक्षण, स्वास्थ्य, श्रम बजार की गतिशीलता और घरेलू विशेषताओं द्वारा आ 5 बाबतों आधार आ रिपोर्ट बहार पड़वामां आवेलो है। हवे आना जे आंकड़ा बहार पड़ेल है तो कई संस्थाएं बहार पड़ेल है तो ये खास पण याद रखू तो कि NFSC एटले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे
અને સામયિક શ્રમ બળ સર્વેક્ષણ દ્વારા આને બહાર પાડવામાં આવેલું છે અને યુનાઇટેડ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ ફોર એજ્યુકેશન પ્લસ આના દ્વારા આ બંને સંસ્થાઓ દ્વારા આ રિપોર્ટમાં જે આંકડાઓ બહાર પાડેલા હોય છે તે આ બંને દ્વારા મેળવવામાં આવેલા છે. હવે આમાં ખાસ અમુક એક બે વસ્તુનું યાદ રાખવું, અમુક આંકડાઓ તો કે બેરોજગારી દર 4.8% છે 2019-20નો અને શ્રમિક જનસંખ્યાઓની પ્રમાણ આપેલું છે 46.8% છે. આમાં ઘણા બધા પર્સન્ટેજ આપેલા છે પણ આપણે જે પરીક્ષા લખી હોય તે અહીંયા મેં લખેલા છે. હવે બીજું એક IPEF એટલે ઇન્ડો પેસિફિક ઇકોનોમી ફ્રેમવર્ક ફોર પ્રોસ્પેરિટી, એવી રીતના આ એક બહાર પાડેલું છે, સંમેલન થયેલું છે. સમૃદ્ધિ માટેનો ભારત પ્રશાંત આર્થિક માળખું છે. હવે આમાં કેટલા દેશોએ ભાગ લીધેલો હતો, તો કે ટોટલ 13 દેશોએ ભાગ લીધેલો હતો, એમાં ભારત પ્લસ 12 બીજા દેશો છે. હવે ખાલી આ દેશોનું નામ તમારે એક બે વખત વાંચી લેવા, કારણ કે ઘણી વખત પરીક્ષામાં ક્લાસ 1-2માં આવા પણ નામ પૂછાતા હોય છે, જેમ કે યુએસએ, ઇન્ડોનેશિયા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, બ્રુનેઈ, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ, સિંગાપુર, ન્યૂઝીલેન્ડ, ફિલિપાઈન્સ, વિયેતનામ, રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા. આવી રીતના એક વખત તમારા નામ ખાસ યાદ રાખી લેવાના. ભારત છે એ ખાસ યાદ રાખો, ભારત પ્લસ 12 એટલે 13 દેશોમાં ભાગ લીધેલા છે. હવે અહીંયા યુએસએના પ્રમુખ બાઇડન દ્વારા આનું અનાવરણ કરાયેલું છે, ત્યાં હાજરી આપેલી હતી. હવે આનો ઉદ્દેશ શું છે આવી રીતના બનાવવાનું માળખું, તો કે એક મુક્ત, ખુલ્લા અને સુરક્ષિત ભારત પ્રશાંત ક્ષેત્રની કલ્પના કરતું માળખું છે. એટલે આપણે ભારત પ્રશાંત ક્ષેત્રની જે માળખું છે તેનું એક ખાલી ધ્યાન રાખવા માટેનું એક આ બનાવેલું છે સંગઠન. હવે બીજું એક સિયોલ 1 ઘોષણા અપનાવાય છે, એટલે અહીંયા તમારે ખાસ એક યાદ રાખવું, આ શેને લગતી છે અને પર્યાવરણને લગતી માહિતી છે, એટલે આ પરીક્ષામાં ઘણી વખત પરીક્ષામાં આવે છે. હવે આની થીમ એક યાદ રાખવી, હરિત, સ્વસ્થ અને અનુકૂળ નિર્માણ, એ આની થીમ છે સિયોલ 1 ઘોષણાની. અને આમાં કેટલા દેશોએ હસ્તાક્ષર કરેલા છે, તો કે 141 એટલે 141 દેશોએ આમાં હસ્તાક્ષર કરેલા છે. હવે આ સ્થળ કઈ જગ્યાએ થયેલું છે એ ઘોષણા, તો કે દક્ષિણ કોરિયાના સિયોલમાંનું થયેલું છે. અને 15મી વિશ્વ વન સંવર્ધન કોંગ્રેસમાંનું થયેલું છે. આનું વિશ્વ વન સંવર્ધન કોંગ્રેસ કઈ જગ્યાએ આયોજન થયેલું છે, તો કે દક્ષિણ કોરિયા પ્લસ FAO વધારવાનું આયોજન થયેલું છે અને દર 6 વર્ષે આ યોજાય છે. હવામાં એક પહેલ લોન્ચ થયેલી છે, સેફ કરીને પહેલ લોન્ચ થયેલી છે, તો કે આ શેને લગતી છે, તો કે વન પારિસ્થિતિક તંત્રની ઉત્પાદકતાને જાળવી રાખવા માટેની એક આ પહેલ છે. હવે આવી રીતના તમારે આ કરંટ અફેરનો આ પહેલો વિડીયો હતો. જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો અને તે ચેનલમાંનો સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો અને નીચે કોમેન્ટમાં એ પણ જણાવજો. જો તમારે આની આગળ સિરીઝ જોતી હોય તો તમને મે મહિનાનું, જૂન મહિનાનું જે પણ મારી આ નોટ્સ બનાવેલી છે તેમાંથી તમને વિડીયો બનાવી આપી, જેથી કરીને તમારો ટાઈમ પણ બચે અને તમારે જો વર્લ્ડ ઇન્ડેક્સની મેગેઝિન કવર કરવી હોય તો તે પણ થઈ શકે. થેન્ક યુ.